प्रदर्शन करा था, और आज क्या कर रहे हो आप? आप थोड़ा जो बंद करो, बंद करो, वापस करो। DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ, NPS व निजीकरण के खिलाफ, DA फ्रिज के खिलाफ, कर्मचारियों के हर प्रकार की समस्याओं को लेके उनके खिलाफ, यह हमारे इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के आह्वान पर इंडियन रेलवे एम्प्लॉय यूनियन उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा ये 7 डे का प्रोटेस्ट वीक था, उसका आज लास्ट हमने ब्लैक झंडे के साथ इसका विरोध प्रदर्शित किया है। क्यों करा, क्या मांग है इसमें? जहां एक देश एक पेंशन नीति होनी चाहिए, वहां दोहरी पेंशन लागू की जा रही है, अर्थात लागू कर रखी है, तो हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए, निजीकरण बंद होना चाहिए, कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं जैसे ट्रैक मेंटेनर को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए, इसके अलावा काफ़ी सारी समस्याएं हैं जैसे कि ट्रैक मैनों को पॉइंट्स मैन गेट मैन इनको संक्रमण भत्ता मिलना चाहिए। इस सिलसिले में आपने DRM साहब से मुलाकात करी? इस सिलसिले में हमने DRM साहब को भी कल माननीय रेल मंत्री जी के नाम ज्ञापन पेश किया है, उनके सामने प्रस्तुत किया है, और हमारे रेल कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए इस प्रकार का ज्ञापन हमने उनको। कौन सा रेलवे कर्मचारियों को होगा संगठन आपका? हमारा इंडियन रेलवे एम्प्लॉय यूनियन संगठन है, और यह है 7 डे से प्रोटेस्ट वीक पे लगा हुआ है। आज का समापन था? आज का हमारा प्रोटेस्ट वीक का समापन है, और ये ब्लैक झंडे के साथ नारेबाजी के साथ इसका हम समापन कर रहे हैं। मैं प्यारेलाल बैरवा, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जोनल अध्यक्ष, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय यूनियन उत्तर पश्चिम रेलवे। प्रदर्शन करा था, और आज क्या कर रहे हो आप? आज हमारे जो विरोध दिवस है, आज उसका अंतिम दिन है, और विरोध दिवस पे हमने पूरे सप्ताह भर के पूरे कार्यक्रम दिए। आप थोड़ा जो झंडा भी दिखना, दोनों थोड़ा झंडा दिखना चाहिए दोनों।